please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Surat ke paas Arab Sagar mein 130 feet niche mili 10,000 saal purani dwarka. Dosto, aap dekh rahe YouTube ki duniya aur main Anu Mishra. Chaliye jante hain. 1988 में इसी समुद्री इलाके में आर्कियोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी विभाग को समुद्र के गर्भ में एक पहाड़ मिला था। गुजरात के डभारी गांव के पास अरब सागर में 130 फीट की गहराई में 10,000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। यह क्षेत्र सूरत के नजदीक ओलपाड तहसील में आता है। एक संपर्क इसे भगवान श्री कृष्ण की बसाई द्वारका नगरी का हिस्सा मान रहे हैं। अरब सागर में पॉल्यूशन लेवल की जाँच में जुटी टीम को यह कामयाबी मिली है। समुद्र के गर्भ से मिला था पर्वत। सरकार यहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी से द्वारका के अवशेषों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। 2000 से 2011 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ओशन टेक्नोलॉजी की ओर से समुद्र में पॉल्यूशन की जांच के दौरान से अवशेषों का मिलना शुरू हुआ था। 1988 में इसी समुद्री इलाके में आर्कियोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को समुद्र के गर्भ एक पर्वत मिला था। माना जा रहा है कि ये पर्वत समुद्र मंथन के वक्त इस्तेमाल हुए शिखर का हिस्सा है। क्या है पौराणिक मान्यता? पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण ने मथुरा में मामा कंस का वध किया था। इसके बाद कंस के ससुर और मगंध के राजा जरासंध ने कृष्ण सहित यादवों का नामो निशान मिटाने का तय किया था। कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अरब सागर किनारे द्वारका स्थापित की, जो समुद्र का जल स्तर बढ़ने से डूब गयी। रिसर्च में मिली चीजें बताती हैं, समृद्ध थी यहाँ की सभ्यता। समुद्र के इस हिस्से से पत्थर के हथियार, मिट्टी के बर्तन, नहर में लगाए गए संसाधन, स्नानागार, मूल्यवान पत्थर, कंगन, बैल के सींग के साथ मानव की हड्डियाँ मिलने से यहाँ मानव बस्ती होने की बात को समर्थन मिलता है। यहाँ से मिली लकड़ी की चीजों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 9,500 साल पुरानी है। इसके साथ यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के मौजूद तालाब, स्नानागार जैसी चीजों के निशान भी मिले हैं। खंभात से कच्छ तक फैली हुई थी द्वारका। एक सफर डॉक्टर एस कथरोली की अगुवाई में बनी रिसर्च टीम में शामिल रहे और डभारी में 800 फीट गहराई तक पहुंचने वाले आर्कियोलॉजिस्ट मितुल त्रिवेदी के मुताबिक द्वारका एक राज्य था। तब खंभात और कच्छ का अखात क्षेत्र नहीं था, संपूर्ण जमीन थी। हाल ही में द्वारका से सूरत तक समुद्र किनारे पर एक दीवार भी देखने को मिली है। इसका मतलब द्वारका से सूरत तक कृष्ण का राज्य था। सूरत के पास पाई गई नगरी और द्वारका नगरी में समानता है। अब तक 250 नमूने मिले। डॉक्टर एस कथरोली की अगुवाई में हुई रिसर्च में नर्मदा नदी के मुख्य स्थल से 40 किमी दूर और तापी नदी के मुख्य स्थल के पास अरब सागर के उत्तर पश्चिम में प्राचीन नगर के अवशेष मिले थे। तब 130 फीट गहराई में 5 मील लंबे और करीब 2 मील चौड़ाई वाला 10,000 साल पुराना नगर मिला था। मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2 साल की रिसर्च में 1,000 नमूने खोजे, जिनमें से 250 आर्कियोलॉजिकल अहमियत रखते हैं।